अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं रुबीना आप सबको अपने चैनल में वेलकम कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आप लोगों के साथ समर डाइट प्लान शेयर करने जा रही हूँ, और अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो एक महीने में जैसे 8 से 10 किलो तो आराम से लूज़ कर लेंगे। मैं इसमें तीनों की जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की एक एक रेसिपी भी शेयर करूँगी, बाकी ऑप्शन भी बताऊँगी। तो इसकी वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी रहती है, मैं ज़्यादा रेसिपी के साथ शेयर करती हूँ तो इसलिए लंबी हो जाती है। तो आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आएगा, आ जाएगा। और साथ में आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है और 30 से 35 मिनट 40 मिनट की एक्सरसाइज वॉक करनी है, क्योंकि डाइट के साथ साथ वॉक भी बहुत ज़रूरी, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। 20 से 30% जैसे एक्सरसाइज ज़रूरी है, 70-80% डाइट के अलावा। चलिए देख लेते हैं। तो आपको उठ के फ्रेश होने के बाद मॉर्निंग ड्रिंक में ये चिया सीड सब्ज़ा है, मैंने रात में भिगो दिया था आधा चम्मच पानी में, तो आपको इसको लेना है। इसमें मैंने एलोवेरा जेल डाल दिया है, ये फ्रेश एलोवेरा जेल है। आपके पास जूस है तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें एक पूरा लेमन डाल देंगे। आपके पास जूस भी नहीं है तो वो भी स्किप कर सकते हैं, लेमन ले लीजिए। इसमें मैं एक पिंच हल्दी डालूँगी, आपके पास कच्ची हल्दी है तो कच्ची डाल सकते हैं, मेरे पास ख़त्म हो गई है तो मैं ये डाल रही हूँ, तो ये डाल देंगे। इस टाइम थोड़ा सा जानते हैं सबका मौसम कैसा हो रहा है, तो थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इसको फ्रेश होने के बाद ही लेना है, इसके कम से कम आधे से पौने घंटे के बाद ही आप नाश्ता करिएगा। अगर टाइम है तो एक घंटा भी आप बीच में गैप कर सकते हैं। और मॉर्निंग ड्रिंक आप कहेंगे तो और बहुत सारी समर की मॉर्निंग ड्रिंक मैं शेयर कर दूँगी। आप इसको नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं, आप चाहें तो गुनगुना भी करके ले सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन गर्मी ज़्यादा है तो लोग नॉर्मल ही लेना पसंद करते हैं, तो नॉर्मल भी ले सकते हैं आप। ये वाली हल्दी मैं कह रही थी कच्ची वाली, मेरे पास ख़त्म हो गई है। मैं ज़्यादा मंगा के रखती हूँ तो थोड़े दिन चल जाती है, तो उस टाइम ख़त्म हो गई है। तो मैं दिखा रही हूँ, वीडियो पहले की थी तो मैंने सोचा दिखा दूँ। देखिए ऐसी सब्ज़ी की दुकानों पर मिलती है, आप लेके धुल के रख सकते हैं इसको फ्रिज में। फिर नाश्ते में मैं पराठा ले रही हूँ, साथ में एक अंडा है, थोड़ी सी चाय है बगैर जैसे चीनी की चाय है, ये पनीर का पराठा, इसकी रेसिपी मैं आगे शेयर करूँगी। ये पनीर का पराठा है तो इसके साथ मैं एक अंडा ले रही हूँ, क्योंकि 2 अंडे मैं नाश्ते में लेती हूँ, आपको भी लेना चाहिए। तो इसमें पनीर है तो इसलिए थोड़ा सा अंडा एक ही लिया है। दूसरे ऑप्शन में आप सैंडविच कोई भी ले सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में आप जैसे चीले ले सकते हैं। सैंडविच की बहुत सारी और चीले की बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ये पराठा बनाने के लिए मैंने पनीर ले लिया है, 25 से 30 ग्राम पनीर है। और इसमें थोड़े से पत्ती वाली जो पत्ता गोभी होती है वो ले ली है, थोड़ी सी प्याज है वो ले ली है, धनिया ले ली है। इसमें काली मिर्च और नमक डालेंगे बस, और कुछ नहीं डालना है इसमें। आप चाहें अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन सुबह नाश्ते में तीखा नहीं खाया जाता है तो मैं नहीं डालती हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, आपके पास नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन यही है डिनर में आप सॉल्ट ना लें, जैसे रॉक सॉल्ट ही लें, सीधा नमक ही लें, नॉर्मल नमक आप से डिनर में मत लीजिएगा। फिर ये मल्टीग्रेन आटा है, हम जैसे हमारा पूरा हम पूरा घर मल्टीग्रेन आटा ही खाते हैं, तो इसलिए मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो भी आटा खाते हैं वो ले सकते हैं, मैदा छोड़ के, मैदा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ओट्स का आटा ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं, या फिर गेहूँ का अगर आप खाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। गेहूँ का भी हेल्दी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हेल्दी होता है, लेकिन मल्टीग्रेन ज़्यादा अच्छा होता है। फिर इसको मैंने स्टफ़ करके इसको बेल लिया है, जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसे ही बनाना है। फिर इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। और अगर आप प्लेन पराठा ले रहे हैं तो इसके साथ 2 अंडे की भुर्जी बना के ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, या बॉयल 2 अंडा ले सकते हैं, आपके ऊपर है वो। और चाहे तो थोड़ी सी सब्ज़ी, कोई सब्ज़ी ले सकते हैं इसके साथ, और उसके फिर अंडा एक कर दीजिएगा, ऐसे कर सकते हैं आप। आप बस अपने हिसाब से मिस मैच करके इधर उधर से करके आप बहुत आराम से डाइट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद से किया है, खुद से ही इतना सारा वेट मैंने लूज़ किया है। देखिए मैंने गैस बंद कर दिया, अब इसमें थोड़ा सा घी ऊपर से लगा दूँगी, बस पराठा तैयार हो जाएगा। सिंपल सा पराठा और बहुत टेस्टी सा। तो ये घी आपको लगा के पकाना नहीं होता, घी जलानी नहीं होती है, क्योंकि घी जलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता खा के जला के उसको। तो इसको गैस बंद करके इसमें घी थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, बस पराठा तैयार है। और नाश्ते में बहुत टेस्टी लगता है ये, आप लोग ट्राई करिएगा, वरना फिर ऑप्शन मैंने दे दिया है, लिंक सारा नीचे मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना ज़रूर, आपको जो भी खाना है उसमें से खा सकते हैं। और रेसिपी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ इसलिए थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो, मुझे भी लंबी, मैं सोचती हूँ छोटी वीडियो बनाऊँ लेकिन लंबी हो जाती है। इसके साथ देखिए एक अंडा लिया, इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे बस, चाय।
और चाय आपको लेना है तो लो फैट मिल्क लीजिएगा, साथ में चीनी नहीं लेना है। चीनी की जगह पे आप गुड़ डाल के ले सकते हैं, या तो फिर आदत डालिए बगैर चीनी के पीने की, सबसे अच्छी आदत है बगैर चीनी की। जैसे मैं बगैर चीनी के लेती हूँ तो आप भी ले सकते हैं। फिर आपको 2 घंटे के बाद कोई भी, आप इस टाइम देखिए फ्रूट आ रहे हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, जो भी ले रहे हैं आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसको 100 से 150 ग्राम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 100 से 150 ग्राम ही लेना है कोई भी। जैसे ये है, फिर मस्क मेलन है, ये है, जो भी आपको लेना है बस थोड़ा थोड़ा ही लेना है, एक ही चीज़ लेनी है, सारा नहीं लेना है, बस एक चीज़ लेना है। और इसके अलावा आपको अगर आपको मिल रहा है जैसे नारियल का पानी, तो आप वो ले सकते हैं, सबसे अच्छा है। गर्मी भी है और फिर नारियल पानी जानते हैं बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, अगर मिल रहा है तो ले सकते हैं। मैं भी देखिए मैं मिल जाता है, लेकिन मैं एक साथ लेके धुल के रख देती हूँ, 2-3 दिन चल जाता है, तो इस तरह से ये ले सकते हैं। और फिर उसके बाद लंच की बारी आ जाती है, लंच में आप शेक ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम भारी नाश्ता थोड़ा हैवी कर लिए हैं, रोटी वोटी, आपको रोटी भी खाना है तो नाश्ते में रोटी भी खा सकते हैं, तो इस टाइम में मिल्क शेक लेंगे। ये मैंने आलमंड मिल्क के बनाया है, आगे रेसिपी दूँगी। और दूसरे ऑप्शन में आप ये स्मूदी ले सकते हैं, मेरे चैनल पर आप चेक कर सकते हैं स्मूदी, चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। ये चिया पुडिंग है, इसकी भी सेपरेट वीडियो आप कहेंगे तो मैं बना दूँगी, बहुत टेस्टी लगता है, ठंडा ठंडा खाने में मज़ा भी आता है, तो आप ये सब ले सकते हैं। देखिए मैं आलमंड मिल्क की फटाफट रेसिपी कैसे शेयर कर रही हूँ, वैसे आलमंड मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, बाकी अगर आपके पास नहीं है तो फटाफट ऐसे बना सकते हैं। और इसमें शेक बहुत टेस्टी लगता है, इसमें 7-8 बादाम थे मैंने भिगो दिया था, इसको छील के अच्छे से थोड़ा ठंडा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि शेक थोड़ा ठंडा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ठंडे पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लिया। देखिए मिल्क तैयार हो गया है। अब इसमें मैं मैंगो शेक बना रही हूँ, तो इसलिए मैंगो ले लिया है, और शहद थोड़ा सा मीठे के लिए शहद डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच। वैसे मैंगो मीठा होता है तो आप चाहें तो शहद ना डालें, लेकिन डालना चाहें तो 1/2 चम्मच 1 चम्मच डाल सकते हैं। फिर इसमें एक मैंगो ले लिया मैंने, 1/2 इसमें डालूँगी, क्योंकि मैंगो में कैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मैंने लेना है। और चाहें तो मैंगो डेली भी खा सकते हैं 1/2, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वेट लूज़ होगा इससे। आप एक दिन मैंगो खा लीजिए, एक दिन किसी कुछ और ले लीजिए, दूसरे दिन फिर मैंगो, जिसे एक एक दिन बीच में गैप कर दीजिए मैंगो के, क्योंकि इसमें कैलरी ज़्यादा होती है और सीज़न है, हम खा ऐसा भी ये नहीं है कि छोड़ सकते हैं, तो आप एक एक दिन छोड़ के मैंगो लीजिए। देखिए मैंने मैंगो डाल दिया, अब इसको ब्लेंड कर लेंगे, वो शेक तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें वो शुगर फ्री आइसक्रीम आती है क्रीम मिल्क की, एक वो भी एक स्कूप ऊपर से डाल के ले सकते हैं। मैं वही खाती हूँ कभी कभी, लेकिन इस टाइम मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली क्या, मैं मंगवाई नहीं, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ बहुत ज़्यादा कम ले रही हूँ, ऐसी चीज़ें जो बनी बनाई घर में ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। आप चाहें तो अगर आपके आसपास कहीं मिल रहा है तो ले सकते हैं, बहुत शेक में आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट, एक मैंने अखरोट लिया था, 2 बादाम बारीक बारीक काट लिया है, ऊपर से डाल दिया है। अब इसमें ये थोड़े से मैंगो के चंक्स डाल देंगे। देखिए मैंगो शेक बहुत ही टेस्टी सा तैयार हो गया, ये ले सकते हैं। आगे आप कहेंगे तो और सारी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। फिर शाम की चाय के साथ ये मैं थोड़े से नट्स ले रही हूँ, इसमें मखाने हैं, आप चाहे मखाने तो रोस्ट करके भी ले सकते हैं घी में, मैं वैसे ही रोस्ट करके लेती हूँ घी में नहीं। एक अखरोट है, थोड़े से बादाम है, थोड़ा सा मखाने हैं, और साथ में काली चाय है। काली चाय की रेसिपी मैं आगे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मौसम जानते हैं थोड़ा सा मानसून हो रहा है, सबका गला ख़राब हो रहा है, और ये वायरस के चक्कर में भी सब वो हो रहे हैं, तो इसलिए आपको चाय काली कैसे बनानी है मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने 1.5 कप पानी ले लिया है, इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, थोड़ी सी लौंग, 3 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्च है, 1 सिनेमन स्टिक है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, इसको कूट के इसी में डाल देंगे पानी में। इसको थोड़ा सा उबालेंगे, 1-2 मिनट उबालेंगे, इसको मीडियम आँच करके स्लो, मीडियम से स्लो आँच पे उबालेंगे अच्छे से, जैसे सबका अर्क चाय में आ जाना चाहिए, इतना हमको उबालना है। मैंने 1.5 कप पानी लिया है, इसमें 1 कप बचना चाहिए, इतना उबालना है आपको। फिर इसमें 1 पिंच, 1 चुटकी आपको ऐसी चुटकी से लेना है चाय पत्ती, क्योंकि अगर इसमें चाय पत्ती आप डाल देंगे ज़्यादा तो काली भी चाय हो जाएगी और टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो आपको 1 चुटकी इसमें चाय पत्ती डाल देना है। मैं इसमें गुड़ डाल के लेती हूँ, आप चाहें तो शहद डाल के भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें गुड़ डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि काली चाय गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी ट्राई करिएगा अगर आपके पास घर में गुड़ है तो। देखिए मैं इसको छान ले रही हूँ, इसके साथ थोड़े से नट्स के साथ इसको इंजॉय करेंगे। फिर डिनर में मैंने ये घिया और चने दाल बनाया है, इसको लेना है, आप इसको लंच में भी ले सकते हैं इस चावल के साथ, लेकिन इस डिनर में चावल रोटी नहीं लेनी है,
क्योंकि डिनर में अगर कार्ब छोड़ देंगे तो आपका वेट लूज़ बहुत अच्छे से होगा। और आगे मैं ऑप्शन भी बताऊंगी और इसके अलावा क्या लग ले सकते हैं। वैसे डिनर की रेसिपी मेरे चैनल में बहुत सारी है, सारा लिंक मैं दे दूंगी नीचे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए, दूसरा ये पनीर सैलेड है, तीसरा ये पनीर चिली है, आप ये ले सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन फ्रूट का है, आपके पास जो भी फ्रूट है, पपाया, पाइनएप्पल, ऑरेंज, जो भी वो ले सकते हैं अगर जल्दी लूज़ करना चाहते हैं तो। तो चलिए चना दाल की रेसिपी देख लीजिए। तो मैंने कुकर ले लिया, इसमें मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ, तो बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है, एक चम्मच से भी कम है। इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और एक छोटी प्याज काट के रखी है, इसमें ये डाल देंगे, इसको थोड़ा सा भुनेंगे। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है, सब्ज़ी दाल जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं, और खाने में बहुत टेस्टी है। घिया जिसको नहीं पसंद है इस तरह बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा आपको। और घिया खाना भी चाहिए, घिया खाना सुन्नत है, आप लोगों को सबको पता होगा ये चीज़। देखिए हल्की सी मैंने प्याज फ्राई हो गई है, तो इसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। मैं दो जन के लिए बना रही हूँ, अगर आप अकेले के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पोषण का भी ध्यान रखना है। आपको कैलरी हमें जितनी लेनी है उतना लेना, बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है कि हम जैसे डाइट कर रहे हैं तो एक टाइम ही ज़्यादा खा लेंगे, ऐसा नहीं है। हर चीज़ आप खाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हर चीज़ खाना चाहिए लेकिन हिसाब से। तो इसमें दो मुट्ठी चने की दाल भिगो के रखी थी, ये डाल दी है, इसको डाल के अब भुनेंगे। तो हाँ मैं कह रही थी, जैसे आपको ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है तो हम उसको ना खाएं, खाइए लेकिन उसको हिसाब से खाइए। ऐसा खाइए जिसे वो चीज़ खा के अगला मील आप बहुत लाइट रखिए कि वो बराबर हो जाए, ऐसा कर सकते हैं आप। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालती है, थोड़ी सी लाल मिर्च डालती है, बहुत थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल दिया है, डाल के अब इसको मिक्स कर देंगे। इसमें आधा चम्मच धनिया डाल दिया, धनिया मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, बाकी मसाले बहुत थोड़े थोड़े डालें, डाल के इसको हल्का सा पानी डाल के इसको अब थोड़ा सा पका लेंगे। और आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। वैसे मैं कहती नहीं हूँ, आप लोग कर देते हो। तो ये अब इसमें एक दो पिंच गरम मसाला डाल दिए। ये सारे मसाले जानते हैं आप लोग, मेरे घर के ही बने होते हैं, तो आप लोग भी हो सके तो मसाले घर पे ही बनाइए। होममेड मसाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खुशबू भी होती है, और बहुत जो भी डिश आप बनाते हैं बहुत टेस्टी बनती है घर के मसालों से। फिर इसमें एक हरी मिर्च भी डाल दी है, क्योंकि मैंने लाल मिर्च में बहुत कम यूज़ करती हूँ, हरी मिर्च आपको खाना चाहिए, लाल मिर्च वैसे गर्मी में और नहीं खाना चाहिए। फिर ये 250 ग्राम की घिया थी, और इसमें एक टमाटर मैंने काट के रख रखा था, ये डाल दिया है। देखिए अभी से कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देख के। अब इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, इसको सीटी लगा लेंगे, एक दो सीटी लगा लेंगे, बस तैयार हो जाएगी हमारी सब्ज़ी दाल। इसको सब्ज़ी भी कह सकते हैं आप, दाल भी कह सकते हैं, जो भी आपको कहना है। बस आपको डिनर में यही लेना है, बाकी ऑप्शन मैंने जो बताया वो ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जो भी सही लगे आप ले सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डाइट करिए, जो भी आपको खाना है जैसा पसंद हो उस हिसाब से, बस उसको ऐसा रखिए कि आपको पता है कि हेल्दी है वो, और वो खा के आपका वेट लूज़ होगा। वैसे मैं रेसिपी बहुत सारी डालती रहती हूँ, आप लोग चेक कर लिया करिए। देखिए मैंने एक दो सीटी लगा ली थी, अब गैस बंद कर दिया है, अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के अब इसको सर्व कर लेंगे। बस टेस्टी सा दाल हमारे तैयार है, इसको हम डिनर में लेंगे। आप इसके साथ एक खीरा ले लीजिएगा, मेरे पास खीरा नहीं था तो इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। फिर आप चाहें तो एक ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी एक घंटे के बाद रात में एक ले सकते हैं। वैसे गर्मी में लेने का मन नहीं करता है लेकिन ज़रूरी होता है डाइट के साथ साथ, जिसको हमें एक पुश मिलता है वेट लूज़ करने के लिए। तो आप एक कप ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है आप ले लीजिएगा। चलिए फिर बताइएगा आप लोग को कैसी वीडियो लगी, और आगे रेसिपी भी आप लोग नीचे सजेशन दीजिए मैं कौन कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, तो आप लोग उसी हिसाब से मैं रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। चलिए फिर मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।